चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सैनिकों की तस्वीरों का इस्तेमाल किए जाने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों को सेना के जवानों की तस्वीर इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां और नेता चुनावी प्रचार में सेना के इस्तेमाल में सतर्कता बरतें। इधर आयोग के आदेश के बाद अब राजनीतिक पंडितों में भूचाल नजर आता दिखाई दे रहा है, जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि वीर जवानों की कुर्बानी को लोग याद रखेंगे और एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम बताया है। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश पर उपासने गोलमोल जवाब देते दिखे, तो वही कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सीधे तौर पर भाजपा पर ही सेना के प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही सेना को राजनीति से दूर रहने की बात कहती आ रही है। निश्चित रूप से होना चाहिए, सेना अपना काम करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, यही कारण है कि उस पर कोई राजनीतिक दबाव सेना पर माननीय मोदी जी ने नहीं दिया। उनको स्वतंत्रता प्रदान की आज़ादी के बाद से पहला अवसर है जिसमें सेना पर राजनीतिक दबाव नहीं था, सेना पर शासन का दबाव नहीं था। सेना स्वच्छंद थी अपने निर्णय लेने के लिए, स्वतंत्र थी अपना निर्णय लेने के लिए और सेना ने ही बहुत बड़ा काम जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने का किया है। ये जरूर है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने अनेकों जंग लड़ी, विरोधियों को अनेकों बार परास्त किया। 62 की लड़ाई हो, 57 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी सेना के पराक्रम को राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं किया है। चुनाव आयोग के इस निर्देश का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और हम न सिर्फ चुनाव आयोग, देश की जनता को भी भरोसा दिलाते हैं कि सेना का पराक्रम सेना का पराक्रम है, सेना का गौरव पूरे देश का गौरव है, हर राजनीतिक दल का गौरव है और यदि कोई व्यक्ति विशेष उस सेना के पराक्रम को अपना बता के प्रस्तुत करता है तो इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसकी आलोचना की जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यू डी अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।